अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय अ सिंपल कैमरा। यानी कि एक जो सिंपल कैमरा है, उस सिंपल कैमरा के अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से आप फ़ोटो क्लिक करती हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, एक सिंपल सी कैमरा का स्केच बना है मेरे पास। अब इसको पहले आप अच्छी तरह से देख लें, इसके पार्ट्स देख लें। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक लेंस, और वो जो लेंस है, दिस लेंस इज़ नोन एज अ कन्वेक्स लेंस। और जो ऑपरेटर्स है कैमरे के ऑपरेटर्स में बैक साइड पर एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फिल्म पड़ी है। सेंसिटिव क्या चीज़ है? सेंसिटिव फिल्म मौजूद है, जिसके ऊपर क्या बनना है? इमेज बनना है। अब होता कुछ इस तरह से है डियर फ्रेंड्स, ये आपके कैमरे की ओपनिंग वाली साइड, जहाँ से कैमरा ओपन हो रहा होता है ना, वहाँ पर कैमरे की ओपनिंग पर क्या होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। और उस कन्वेक्स लेंस के सामने कोई इंसान खड़ा है या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो खैर, मैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक एरो बना लेता हूँ, ठीक है? यानी कि एक एरो है जो कि आपके पास कहाँ पर है डियर फ्रेंड्स, आपके पास कैमरे के सामने खड़ा है। अब होगा कुछ इस तरह से, सेम वही मैकेनिज्म डियर फ्रेंड्स, जो लाइट रेज होंगी वो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से होकर कहाँ से गुजरेंगी? लेंस में से गुजरेंगी। और ये जो लेंस होगा, ये लेंस क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, ये लेंस क्या करेगा, वो जो लाइट की रेज होंगी ना, उस लाइट रेज को एक ख़ास पॉइंट पर इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करके क्या बना देगा? ये इमेज बना देगा। वो जो सेंसिटिव फिल्म होगी ना, उस सेंसिटिव फिल्म के ऊपर इसने क्या बना दिया? इमेज बना दिया। लेकिन जो इमेज बना है, यहाँ पर भी देखें डियर फ्रेंड्स, तो वो इन्वर्टेड उल्टा बना है, साइज़ में थोड़ा छोटा बना है। और यहाँ पर भी जो इमेज बना है वो कौन सा बना है? रियल बना है, ठीक है? तो डैट इज़ द मेन थिंग, ये वो मेन चीज़ है जिसके पॉइंट्स के असूलों के ऊपर क्या करते हैं, आपका जो कैमरा है वो काम करता है। तो कैमरा कुछ इस तरह से काम कर रहा है। कैमरा इज़ जस्ट अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ जस्ट अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कन्वेक्स लेंस के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, कैमरे के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, तो क्या बनेगी? इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? वो इस तरह से बन जाएगी डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज टकराने के बाद, देखें आप मुझे कैसे देख रहे हैं, जो लाइट रेज हैं वो मुझसे टकराने के बाद आपकी आईज में एंटर हो रही हैं। तो कैमरे के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होता है, जो लाइट रेज होती हैं वो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद इस लेंस में से गुजरती हैं, यानी कि कैमरे के अंदर एंटर होती हैं। और लेंस क्या करता है, उस लाइट रेज को एडजस्ट कर देगा, किसके ऊपर? जो सेंसिटिव फिल्म है उसके ऊपर एडजस्ट कर देगा। इसी तरह से जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पर बन जाएगी? सेंसिटिव फिल्म पर बनेगी। और इमेज कौन सा बना है? रियल इमेज बना है, और इन्वर्टेड इमेज बना है, और किस पे बना है? सेंसिटिव फिल्म पे बना है। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हमें ऑब्जेक्ट, देखें हमें ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए, अब हम ऑब्जेक्ट का इमेज, क्लियर इमेज चाहिए, तो सपोज डैट फर्ज करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, यानी कि वो बेजान कोई चीज़ हो सकती है, कोई स्टैचू है जो अपनी जगह पे फिक्स है, आपको उसका खूबसूरत सा इमेज क्लिक करना है। आप स्टैचू को तो नहीं ना हिला सकते, एक इमेज के लिए आप स्टैचू को कभी उधर लेके जा रहे हैं, कभी इधर लेके आ रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आप सिंपल के करते हैं, आपके पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसकी मदद से आप उस इमेज को क्लैरिफाई कर सकें, यानी कि स्टैचू को इधर उधर करने के बजाय आप अपने लेंस को ही आगे पीछे कर सकें, ताकि जो इमेज है वो क्लैरिफाई होकर सेंसिटिव फिल्म पर बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो मैकेनिज्म हर कैमरा के अंदर मौजूद है। उस मैकेनिज्म की मदद से हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द लेंस, मैकेनिज्म हेल्प्स करेगा हमारी मूवमेंट ऑफ, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ लेंस, लेंस के मूवमेंट में हेल्प करता है। डैट फॉर्म जो क्या बना देगा, वो इमेज बनाएगा। डैट फॉर्म्स इमेज, अ क्लियर इमेज ऑन द, कहां पर बना देगा? जो सेंसिटिव फिल्म है उसके ऊपर क्या बना देगा डियर फ्रेंड्स? इमेज बन जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर एक, अगर मैं कैमरे की बात करता हूँ, तो कैमरे के अंदर ना अमूमन जो लेंस होता है ना, लेंस के पीछे वाली साइड पर यहाँ पर होता है शटर, एक शटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सपोज डैट कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब वो जो शटर लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो क्लोज रहती है हमेशा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर से प्रेस करते हैं ना, बटन प्रेस करते हैं, बटन के प्रेस करने से होता है, ये जो शटर होता है ना, ये कुछ वक्त के लिए ओपन होगा। और जैसे ही शटर कुछ वक्त के लिए ओपन होता है, जो लाइट रेज होती है ना डियर फ्रेंड्स, लाइट रेज उसी वक्त गुजरती हैं, और गुजरने के बाद वो क्या बना देंगी? वो इमेज बना देंगे सेंसिटिव फिल्म पर। यानी कि आपके पास कैमरा है, आपने क्लिक किया, जैसे ही उसको बटन प्रेस किया, शटर ओपन हुआ, लाइट
रेज ऑब्जेक्ट से टकरा के कहाँ पर हुई, उसके अंदर एंटर हुई, कन्वेक्स लेंस ने उसको फोकस करके कहाँ पर फिक्स कर दिया, सेंसिटिव फिल्म पे फोकस कर दिया, इमेज बन गया सेंसिटिव फिल्म पे। तो ये वो मैकेनिज्म था जो कहाँ पर हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, इट इज़ हैपनिंग इन द सिंपल कैमरा विद द हेल्प ऑफ द लेंस।